हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है और नर्क्स ने इसके बारे में क्या बोला है वो भी हम देखेंगे। कमिंग टू इट्स मीनिंग, इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू सम ऑथर्स लाइक नर्क्स हो गए, लिविस हो गए, रोडान हो गए, उन्होंने क्या बोला है कि बैलेंस ग्रोथ का मतलब होता है दैट वी नीड टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी such as balance between the developed sector and the lagging sector. If we say balance between the social overhead capital matlab education ho gaya, health ho gaya, road, transportation, etc. and directly producing activities in, for example, like manufacturing activities, we say balance between the manufacturing sector and the agriculture sector, balance between the consumer goods and the capital goods, or balance between the different consumer goods also. So we need to maintain the balance between all these different sectors of an economy. So hum ye bol sakte hain ki jab bhi there should be a simultaneous investment in all these sectors, right? So yahi hota hai balance ka matlab, that we need to keep the balance between the demand and the supply side. So we'll see. So we need to achieve the balance growth. We need to balance between the demand and supply side should be there. We'll see what the supply side means. So again, supply side, it emphasizes on the simultaneous development of all the interrelated sectors. Like if we say, agar humko koi bhi good produce karna hai, for that we need the raw materials and the intermediate goods. Hence, the development of all the interrelated sectors like the intermediate goods and the raw material should be there. Otherwise, the inflation would be there. Agar raw materials ki agar kami hogi to hum final product nahi bana payenge, to chahe uski demand par kitni bhi ho, usse fir kya hoga, price badh jayega to inflation hoga, right? And then coming to the demand side, it will relate to the provision of the employment opportunities, and agar employment opportunities available in the economy mein, uski wajah se kya hoga, income badhegi logo ki. इनकम बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, जो भी प्रोड्यूस हुआ है इंडस्ट्रीज में उसके लिए डिमांड करेंगे, डिमांड फॉर द गुड्स विल इंक्रीज, हेंस द डिमांड साइड विल बी देयर. ओके, इट इज रिलेटेड टू द कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज, स्पेशली द एग्रीकल्चर एंड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉर एन एग्जाम्पल. कमिंग टू द नर्क्स ने क्या बोला है, तो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग विशियस साइकिल जो भी इकोनॉमिक जो भी सॉरी जो भी अंडर डेवलपमेंट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो डेवलपमेंट की कमी इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है एंड इट ऑपरेट्स ऑन डिमांड साइड एज वेल एज सप्लाई साइड. अब हम एक एक करके दोनों चीजों को देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सप्लाई साइड को. तो इफ यू सी, सबसे पहले लो पर कैपिटा इनकम है. अगर आपका लो पर कैपिटा इनकम हो, उसकी वजह से क्या होगा, देयर वुड बी लो सेविंग्स, क्योंकि अगर आपकी इनकम ही लो है तो आप जो भी आपका मैक्सिमम इनकम होगा वो आप कंजम्पशन पर स्पेंड करेंगे. इसकी वजह से सेविंग्स कम होंगी और सेविंग्स कम होने की वजह से लो इन्वेस्टमेंट होगा. और अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है तो कैपिटल एक्यूमुलेशन इन द इकोनॉमी वुड बी लेस. और अगर कैपिटल एक्यूमुलेशन कम है तो जो प्रोडक्टिविटी है ऑफ द लेबर इट वुड बी लो. अगर लो प्रोडक्टिविटी है तो वापस से लो पर कैपिटल इनकम होगा एंड हैज दिस साइकिल विल कंटिन्यू. तो दिस इज ऑल अबाउट द सप्लाई साइड. ओके, कमिंग टू द डिमांड साइड, वी सी दैट द लो पर कैपिटल इनकम इट इम्प्लाइज दैट देयर वुड बी अ स्मॉल साइज ऑफ मार्केट, हैंस देयर वुड बी अ लो डिमांड इन द मार्केट. तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर डिमांड अगर इकोनॉमी में कम है तो जो भी इन्वेस्टर्स होंगे उनको कोई इंसेंटिव ही नहीं होगा टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, हैंस देयर वुड बी द लो इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. लो इन्वेस्टमेंट होगा तो लो कैपिटल फॉर्मेशन होगा एंड ड्यू टू दिस द लो प्रोडक्टिव वुड बी देयर एंड हैंस द लो इनकम वुड बी देयर. सो दिस इज द demand side we say. So to increase or to break this cycle of vicious cycle of poverty, we need so the economy not only needs the individual investment but also
Investment is required in various sectors simultaneously. Hence, we need the monetary expansion is required, or by expanding the economic infrastructure, that underdeveloped country can break the vicious cycle of poverty. Okay, so in the development program, all these sectors in economy, that is, you know, whatever the sector is, like be it a manufacturing sector, agriculture sector, or any sector, that should grow simultaneously so as to keep the proper balance between the industry and agriculture, consumer goods and capital goods, domestic goods and the external goods per se. Coming to the limitations part, so in developing countries, we know that the resources are not enough to invest in all the sectors simultaneously. Hence, they can't invest in all the sectors. They need to prioritize these sectors. Hence, there will be an unbalanced growth. क्योंकि अगर balanced growth में क्या होता है, they require huge investment. है ना, in different sectors में उनको huge investment चाहिए होता है. Simultaneously वो भी developing countries में resources ही नहीं है, उनके पास savings ही नहीं है. तो वो कहाँ से एक साथ इतने सारे sectors में invest करेंगे? Hence, this is the basic, most important limitation of the balanced growth theory. Thank you so much.